हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप लोगों का स्वागत है गुड डू अर्स्ता चैनल में। तो आज लगा रही हूँ मेहंदी रात को, क्योंकि कल है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा चलो एक हैंड पे मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, तो मैं एक हैंड पे ही मेहंदी लगाऊंगी। तो मैंने अभी लगाना स्टार्ट किया। तो कल है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो हम देखते हैं क्या प्लान करते हैं, कैसे मैरिज एनिवर्सरी रहती है। तो इनके मामा और बहन भांजे की दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है इकट्ठी, तो हम देखते हैं दोनों मतलब मिलके कैसे क्या प्लान करते हैं और कहाँ पार्टी मनाते हैं। तो आप मेरा पूरा ब्लॉग देखना और ब्लॉग में देखना मतलब हम कहाँ पार्टी करेंगे और कैसे। तो हेलो एवरीवन, तो मैंने कर लिया अपना हेड वॉश, तो मैंने नहा भी ली हूँ और मैंने डाला ये अभी रेड वाला सूट। तो अभी करती हूँ मैंने नहा धो के, अभी करती हूँ मैं पूजा और फिर करती हूँ लंच की तैयारी और तभी बच्चे आ जाएंगे। तो शाम को देखते हैं हमारा क्या प्रोग्राम है, तो बने रही मेरे पूरे ब्लॉग में। तो देखो मेरी मेहंदी भी रच गई अच्छी तरह, इस पे लिखा हम दोनों का नाम। तो मेरी मेहंदी कैसी लग गया डिजाइन, तो मैंने एक ही हैंड पे लगाई है ज़्यादा हैंड, क्योंकि ठंड है तो मैंने एक हैंड पे अपनी मेहंदी लगाई है। घर का पूरा काम फिनिश करने के बाद मैं नहा धो ली हूँ। नहा धो के अब कर रही हूँ मैं पूजा, क्योंकि आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो मैंने सोचा था पूजा कर लेते हैं सबसे पहले। और मैंने बच्चों को भी भेज दिया स्कूल, उनका लंच नाश्ता सब कुछ करवा के घर का सारा काम फिनिश हो गया मेरा। अभी करूँगी मैं पूजा, और पूजा करने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगी अपनी साड़ी शूट जो भी कुछ डालूंगी। आप मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहना और इन्जॉय करना इसको, और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। तो बने रहिए मेरे इस पूरे ब्लॉग में। पूजा कर लिए, पूजा करने के बाद मुझे लगी भूख, तो मैं यहाँ पर पी रही हूँ एक गिलास दूध और तिल का लड्डू, जो मैंने तिल के लड्डू बनाए थे। तो इसका ब्लॉग भी आएगा तिल के लड्डू का रेसिपी। तो आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि शाम को कौन सी साड़ी या सूट डालूँ। तो इनमें से देख रही हूँ मैं कौन सा सूट डालूँ या साड़ी डालूँ। चलो देखते हैं शाम को क्या डालेंगे, सूट डालेंगे या साड़ी। तो हेलो फ्रेंड, ये डिश बनाई थी मेरे पतिदेव ने मैरिज एनिवर्सरी पर, जो प्लेट पे बिल्कुल चिपक गई है। अगर प्लेट से हम बड़ी मुश्किल से उतार के इसको खाते हैं तो दांतों को चिप जाती है, तो ये डिश ऐसे प्लेट में चिपकी है, अगर खाते हैं तो दांत पे चिपक जाती है। पता नहीं कैसे डिश बनाई है, अगर आप लोगों को भी खानी है डिश बनानी है तो रेसिपी को बोलना भी क्या रेसिपी है हमारी, जो प्लेट पर बिल्कुल चिपक गई है। अगर प्लेट से उतार के हम इसको खाते हैं तो दांतों पे चिपक जाएगी, तो पता नहीं अब कैसे खाएंगे इसको। तो हम सब रेडी हो रहे हैं, अभी शाम के बज गए हैं 6, तो 7:30 बजे हमारी पार्टी स्टार्ट है। और निशा और नवीन की भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनकी तरफ से हम सब जा रहे हैं पार्टी में, तो हम भी वहीं पर इंजॉय कर लेंगे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी बना लेंगे। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो मैंने लंच और डिनर भी बना दिया मम्मी पिताजी के लिए। तो हम चारों हो लिए रेडी, और रेडी होके अभी जा रहे हैं। तो मैंने ये वाली साड़ी सिलेक्ट की थी जो मैंने अच्छी लगी, मतलब सिंपल सी है और अच्छा कलर था इसका, मैंने बहुत अच्छी लगी ये कलर, तो मैंने ये साड़ी डाल ली। क्योंकि सूट तो वगैरह हम डालते रहते हैं, तो मैंने साड़ी डाली क्योंकि पार्टी वगैरह में तो साड़ी अच्छी लगती है। तो हम सब हो लिए रेडी, अभी जाएंगे थोड़ी देर में। हम सब हो गए रेडी, तो मैंने ये ऑरेंज वाली साड़ी डाली है उसके। तो अभी चले गए हम थोड़ी देर में पार्टी में, तो पीछे बच्चे हो गए रेडी। कितनी बार बना लेता कौन सी वाली, एक बार भी नहीं बनाई आपने? एक डाल ली थी पीछे। कब डाली थी? ऊपर कब? एक बार भी नहीं करा आपने कभी। हम सब रेडी होके चल दिए, रात की पार्टी है यहाँ पर होटल में, होटल पास में है तो हम 2 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम सब पार्टी में अभी पहुँच जाएंगे, और हम पहुँच गए होटल में, हमें पास में है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम जल्दी पहुँच गए। ये अनीशा और नवीन, इन दोनों की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, तो इस डेट में ही हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी 12, और इसकी 12 फरवरी की, और सेम ही इसी डेट में इन दोनों की शादी हुई है, तो इनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। दोनों इन्जॉय करें, तो सबसे पहले ये दोनों केक कटिंग करेंगे और उसके बाद हमारा केक कटिंग होगा। तो आप पूरा इन्जॉय करना, मतलब पूरा ब्लॉग देखना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना।
मैजिक ओ है मैजिक वाली ऐसे नहीं होगी, इसको निकालना ही पड़ेगी, ऐसे जगती रहेगी। निकाल लेंगे। हाँ निकाल दो, फिर ऐसे जगती रहेंगी। निशा और नमीन ने भी अपना मैरिज एनिवर्सरी केक कटिंग कर लिया दोनों ने अच्छी तरह। तो अब आगे हमारी बारी, तो हमने भी अपना मैरिज एनिवर्सरी केक कटिंग किया। तो हमारी सेम सेम दिन मैरिज एनिवर्सरी दिन नहीं मतलब डेट को, तो हमने इंजॉय किया फुल। मेरा और निशा का मैरिज एनिवर्सरी लुक कैसा था आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो आप लोग फुल इंजॉय करना और पूरा ब्लॉग देखना। और अभी हम सब ने मैरिज एनिवर्सरी केक खाया और इंजॉय किया।
नमीन और निशा हमारे लिए लेके आए थे मैज यूनिवर्सिटी गिफ्ट, तो ये भूल गए थे तो यहाँ पर घर देने आ गए थे हमारे, तो हमने फोटो की चॉइस के साथ मैज यूनिवर्सिटी का केक ये आप घर भी ले आए थे एक छोटा था, तो हमने घर भी आकर अपना मैज यूनिवर्सिटी केक कटिंग किया। पापा ने खाया केक, मेरी मम्मी ने गिफ्ट खोल दिया, देखते हैं गिफ्ट में से क्या निकलता है। पहले
ये कुछ लेकर आ गया भैया, जन्ना भूल गया। गुड्डू का है तो जो गिफ्ट हमने ओपन किया ये दिया था निशा और निमीन ने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे। ये गिफ्ट बहुत प्यारा सा लाइट वाला गिफ्ट था, हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब थैंक यू निशा और निमीन हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट देने के लिए और हमारी मैरिज एनिवर्सरी साथ में मनाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। हमें सबने मिलके मनाई मैरिज एनिवर्सरी, इंजॉय किया फुल। ये देख इसमें लाइट जगती है ऐसे, और बहुत सुंदर सा गिफ्ट है। थैंक यू फॉर एवरीवन।